ओके बेटा, लेट्स डिस्कस सर्कल, राइट? बेटा, सर्कल के अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे. ऑब्वियसली वन इज़ द एरिया ऑफ द फिगर्स, और बेटा सेकंड हम पैरामीटर डिस्कस करेंगे, राइट? पैरामीटर, ठीक हो गया, राइट? अच्छा, सर्कल बेटा, वी ऑल नो दैट, लेट्स से आई ड्रॉ सर्कल, ठीक हो गया. ये बेटा मैंने सर्कल ड्रॉ किया. सेंटर ऑफ द सर्कल से बेटा, इफ यू ड्रॉ अ लाइन एनी वेयर ऑन द सर्कमफ्रेंस, सेंटर ऑफ द सर्कल से इफ यू ड्रॉ अ लाइन एनी वेयर ऑन द सर्कमफ्रेंस, ये बेटा क्या होता है? रेडियस, राइट? मैं इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर देता हूं. सेंटर ऑफ द सर्कल से एनी वेयर ऑन द सर्कमफ्रेंस, ये भी रेडियस, राइट? मैं इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर देता हूं. सेंटर ऑफ द सर्कल से एनी वेयर ऑन द सर्कमफ्रेंस, ये बेटा होता है रेडियस ऑफ द सर्कल. क्लैरिटी, ठीक हो गया. और जो आउटर लेंथ है, जो उसकी आउटर पूरी बाउंड्री है, राइट बेटा, दैट इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस, ठीक हो गया. दैट इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, राइट? सो एक बेटा हमने डिस्कस किया रेडियस, राइट, जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल मार्क होता है ओ से नॉर्मली, राइट? सो यू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी वेयर ऑन द सर्कमफ्रेंस, बेटा दैट इज कॉल्ड द रेडियस, ठीक हो गया. इसको हम रेडियस ऑफ सर्कल कहते हैं. और सर्कमफ्रेंस बेटा क्या है? सर्कमफ्रेंस, ठीक हो गया बेटा. सर्कमफ्रेंस इज व्हाट? द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, राइट? द आउटर बाउंड्री, क्यों कह लो, द आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ठीक हो गया. इसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, राइट? अच्छा बेटा, सर्कमफ्रेंस का भी है वो फॉर्मूला. सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला है, कौन मुझे बताएगा? लेंथ, बेसिकली दिस इज द लेंथ, ठीक हो गया. ये लेंथ के यूनिट्स होते हैं बेटा. इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, राइट? सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर. एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल, कौन बताएगा बेटा? दिस इज पाई आर स्क्वायर, राइट? एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. आई थिंक हम ग्रेड 4-5 ऑनवर्ड्स बेटा एरिया ऑफ सर्कल डिस्कस कर रहे हैं. इवन हम सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को भी हम डिस्कस करते रहे, राइट? सो वी हैव एन आइडिया कि एरिया ऑफ अ सर्कल बेटा क्या होता है एंड व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, राइट? अच्छा बेटा, कौन मुझे बताएगा व्हाट इज पैरामीटर? पैरामीटर ऑफ एनी फिगर, पैरामीटर ऑफ अ सर्कल. सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पैरामीटर? बेटा पैरामीटर कहते हैं लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री. पैरामीटर किसे कहते हैं? लेंथ, यू कह लो टोटल लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री, ऑफ द आउटर बाउंड्री, राइट बेटा? इसको हम पैरामीटर कहते हैं. वट एवर द शेप इज, इट्स अ रेक्टेंगल, इट्स अ सर्कल, इट्स अ स्क्वायर, ट्रेपेजियम, जो भी बेटा शेप है, आपने आउटर बाउंड्री को मार्क करना है. आपने आउटर बाउंड्री शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर. उसको बेटा आपने उसको ऐड कर लेना है, जो टोटल लेंथ है आउटर बाउंड्री की, ठीक है, जितनी भी बेटा साइड से वो मार्क हुआ हुआ है, यू जस्ट सिंपली ऐड इट, वो बेटा उसका होगा पैरामीटर, राइट? आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. इट्स सो सिंपल. तो बेटा सर्कल का पैरामीटर क्या होता है? अगर हम सर्कल की बात करें तो इसकी आउटर बाउंड्री बेटा क्या है? सर्कल की, सर्कल की आउटर बाउंड्री क्या है? दैट इज द सर्कमफ्रेंस, दैट इज द सर्कमफ्रेंस. तो मैं यहां लिख देता हूं एरिया ऑफ अ सर्कल बेटा. ऑलरेडी हमने डिस्कस किया दिस इज पाई आर स्क्वायर. बस हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, एरिया एंड पेरीमीटर, राइट? और बेटा पेरीमीटर क्या है? दैट इज 2 पाई आर, राइट? दैट इज 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, यानी लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री, राइट बेटा? और इसको हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, राइट बेटा? ठीक हो गया. तो सर्कल में बेटा हमने रेडियस को डिस्कस कर लिया, वी डिस्कस्ड के सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, एंड बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर. क्लैरिटी, ठीक है. चलो, व्हाट इज हाफ ऑफ द सर्कल? लाइक हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं वंस अगेन, राइट? ये बेटा एक सर्कल, ठीक हो गया. अच्छा जी, सो बेटा अगेन लेट्स से सेंटर ऑफ द सर्कल इज मार्क्ड, ठीक, सेंटर ऑफ द सर्कल इज मार्क्ड, हम ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक. तो बेटा रेडियस हमने डिस्कस कर लिया, अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू
एनी एंड ऑफ ऑन द सर्कमफ्रेंस, राइट, इसको हम रेडियस कहते हैं, राइट. मैं इसी रेडियस को एक्सटेंड कर देता हूं ऑन द अदर साइड, राइट. सो ये भी रेडियस हो गया फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द अदर साइड ऑफ द सर्कमफ्रेंस. बेटा डबल द रेडियस, ये जो स्ट्रेट लाइन है टचिंग बोथ एंड्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको बेटा हम कहते हैं डायामीटर. इसको हम क्या कहते हैं, दिस कंप्लीट लेंथ इज कॉल्ड द डायामीटर व्हिच इज डबल द रेडियस, व्हिच इज डबल द रेडियस, इसको हम डायामीटर कहते हैं, राइट बेटा, ठीक हो गया. सो डायामीटर बेसिकली इट डिवाइड्स द सर्कल इंटू टू इक्वल हाफ्स, इट डिवाइड्स द सर्कल इंटू टू इक्वल हाफ्स, ठीक हो गया, वन हाफ एंड द अदर हाफ, ठीक. बेसिकली डायमीटर इज अ हाफ लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग बोथ एंड्स ऑफ द सर्कल, ठीक. सो इट डिवाइड्स द सर्कल इंटू टू इक्वल हाफ्स. सो बेटा ये भी अपर हाफ इज अ सेमी सर्कल एंड लोअर हाफ इज ऑल्सो अ सेमी सर्कल. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, राइट बेटा. तो जो सर्कल बेटा डायमीटर से डिवाइड हुआ होगा, तो सर्कल इज डिवाइडेड इंटू टू हाफ्स, ठीक है, ये टू पार्ट्स, और वो दोनों सेमी सर्कल्स होते हैं, ठीक. तो सेमी मींस हाफ, दैट मींस हाफ सर्कल है, क्लैरिटी बेटा. सेमी मींस हाफ, दैट मींस ये हाफ सर्कल है, ठीक हो गया, जो डायमीटर से आप उसको डिवाइड करते हैं सर्कल को. अच्छा तो बेटा सेमी सर्कल, नाउ दैट वी हैव लर्नड कि सेमी सर्कल क्या होता है, लेट्स से ये आपके पास बेटा स्ट्रेट लाइन, ठीक हो गया, एंड यू हैव एन आर्क, ये आपके पास आर्क है, ठीक. सो ये बेटा सेंटर ऑफ द सर्कल मार्क कर देते हैं ओ से, राइट. हम सिर्फ वन हाफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो बेटा ये पूरा क्या है, दिस इज अ सेमी सर्कल. ये आपके पास क्या है, दिस इज अ सेमी सर्कल, राइट. ओके, विच मीन्स हाफ ऑफ हाफ सर्कल, सेमी मीन्स हाफ, सेमी मीन्स हाफ, हाफ सर्कल. चलो तो बेटा सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, मुझे कौन बताएगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल, ठीक. एरिया ऑफ अ सर्कल का हाफ, ठीक, हाफ ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, पाई आर स्क्वायर ओवर टू, ठीक हो गया बेटा. अच्छा ओके, नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द पेरीमीटर, अब जरा ये आपने ध्यान से बताना है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल. अब बेटा ये देखो, पेरीमीटर के लिए एक लेंथ तो बेटा आपके पास आएगी डायमीटर, बिकॉज आउटर बाउंड्री की टोटल लेंथ लिखनी है, तो वन इज द डायमीटर, ठीक. आउटर बाउंड्री पहले मार्क करो कौन कौन सी है, देर आर टू आउटर बाउंड्रीज, डायमीटर, राइट, डायमीटर प्लस बेटा ये जो हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है, राइट, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है प्लस हाफ सर्कमफ्रेंस. इसमें कोई डाउट किसी को, ये बेटा पूरी पैरामीटर होगा, यानी टोटल लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री. ये जो मैंने अंदर एरिया बेटा शेड किया है, दिस इज बाउंडेड बाय टू लेंथ, वन इज द डायमीटर, ये जो हमने लिखा, एंड द अदर इज द हाफ सर्कमफ्रेंस, ये जो मैंने सर्कुलर आर्क येलो से मार्क किया है, राइट, बिकॉज जो कंप्लीट सर्कमफ्रेंस है वो पूरे सर्कल की होगी. ये बेटा इसका पैरामीटर होगा, ठीक है. पैरामीटर में किसी को डाउट, सिंपल बेटा पैरामीटर किसे कहते हैं, आउटर बाउंड्री वट एवर द शेप इज, इस केस में सेमी सर्कल है, उसकी बेटा टोटल लेंथ, टोटल बाउंड्री को ऐड कर दो, जितनी भी बाउंड्रीज हैं. तो बेटा ये जो मैंने एरिया शेड किया है, वी कैन क्लियरली सी कि इट इज बाउंडेड बाय टू लेंथ, वन इज द डायमीटर, और जो अदर लेंथ है बेटा दैट इज हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, हाफ सर्कमफ्रेंस है. तो बेटा पैरामीटर क्या हो गया, डायमीटर प्लस हाफ सर्कमफ्रेंस. तो बेटा डायमीटर आपके पास क्या होता है, ट्वाइस द रेडियस, ऊपर हमने डिस्कस किए, प्लस हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, राइट बेटा. तो ये बेशक आप इसको अगर बिल्कुल ही हमने सिंप्लीफाई करना है, टू टाइम वन इज टू, टू टू कैंसिल, तो बेटा ये डबल द रेडियस प्लस πr, राइट बेटा, ये आपके पास बनेगा पैरामीटर ऑफ अ सेमी सर्कल. इसको यू डोंट हैव टू लर्न दिस बाय हार्ट बेटा,
ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं, वो तो ऑटोमेटिकली आपने बस वैल्यूज ही प्लग इन करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। ये चीज बेटा आपने याद रखना है कि कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि व्हाट इज अ पैरामीटर ऑफ अ सेमी सर्कल या एनी फिगर। आप आउटर बाउंड्रीज को बस ऐड कर दें, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। वैल्यूज तो आप प्लग इन कर लेंगे, ठीक है। आई होप सेमी सर्कल के कॉन्सेप्ट में देयर इज एब्सोल्युटली नो एम्बिग्विटीज नाउ, ठीक। अच्छा, अब हम जरा डिस्कस करते हैं बेटा, आफ्टर अ सेमी सर्कल जरा हम क्वार्टर सर्कल डिस्कस करते हैं, जरा हम क्वार्टर सर्कल डिस्कस करते हैं, राइट। सो व्हाट इज अ क्वार्टर सर्कल? लेट्स से हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, राइट। और बेटा सर्कल को हम फोर इक्वल हाफ्स में, लेट्स से दिस द सेंटर ऑफ द सर्कल, हम इसको फोर इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं। वन, चलो ये हमने फोर इक्वल हाफ्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक हो गया बेटा। सो इसको हम सेंटर को हम मार्क कर देते हैं ओ से, राइट। सो क्वार्टर सर्कल इज व्हाट? वन फोर्थ ऑफ अ सर्कल। ये जो मैंने मार्क किया बेटा, दिस इज अ क्वार्टर सर्कल, ठीक हो गया। ये जो है ये क्वार्टर सर्कल है, ये जो मैंने एरिया शेड किया, ठीक। क्वार्टर सर्कल इज व्हाट? वन फोर्थ ऑफ अ सर्कल, राइट। सो अब मुझे कौन बताएगा व्हाट इज द एरिया ऑफ अ क्वार्टर सर्कल? बड़े कॉमन क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं। सो अगेन वही, वन फोर्थ द एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक हो गया बेटा। एरिया ऑफ अ क्वार्टर सर्कल हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ दिस क्वार्टर सर्कल, तो आप क्या कहेंगे? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पैरामीटर? बेटा वी डोंट हैव टू लर्न दीज फॉर्मुलाज बाय हार्ट, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। चलो, सो व्हाट इज द पैरामीटर बेटा? अब आपने देखना है जो शेडेड रीजन है, जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है, इट इज बाउंडेड बाय हाउ मेनी लेंथ, ठीक है। ये जरा देखो, वन लेंथ, ये बेटा अदर लेंथ, ठीक, और ये बेटा एक बाउंड हुआ हुआ है बाय दिस, ये जो है आपके पास ये जो सेमी ये जो आर्क लेंथ है, ठीक है, ये जो आर्क लेंथ है बेटा, इसको जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं जरा थोड़ा सा, लेट मी इसको जरा नीट कर लेते हैं, चलो। और ये जो बेटा आर्क लेंथ मार्क हुई भी है, ये जो आर्क लेंथ मार्क हुई भी है फ्रॉम हेयर टिल हेयर, ठीक, दिस इज वन फोर्थ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ये आपने अंडरस्टैंड करना है, सर्कमफ्रेंस भी क्वार्टर सर्कमफ्रेंस है, ठीक। तो व्हाट इज द पैरामीटर? दिस इज रेडियस प्लस रेडियस, राइट, शेडेड एरिया को फोकस करो, कितनी लेंथ ने बाउंड किया हुआ है, वन रेडियस, सेकेंड रेडियस। तो पैरामीटर क्या लिखेंगे? आउटर बाउंड्रीज की टोटल लेंथ, बाउंड्रीज आपने मार्क कर ली, दैट इज वन रेडियस, ठीक हो गया, प्लस द अदर रेडियस सेकेंड बाउंड्री, प्लस बेटा वन फोर्थ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विच इज टू पाई आर, वन फोर्थ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक हो गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। इसमें कोई डाउट बेटा? आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक हो गया। तो ये बेटा अब आप ऐड कर दो, जो भी वैल्यूज होगी आप प्लग इन कर दो, वन फोर्थ ऑफ टू पाई आर, राइट। और आप इसने अगर बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करना है, बेशक कर लो, टू टाइम वन इज टू, टू टाइम टू इज फोर, तो बेटा ये आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी टू आर प्लस पाई आर ओवर टू, ये बेटा पैरामीटर होगा आपके पास क्वार्टर सर्कल का। बट अगेन यू डोंट हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला बाय हार्ट बेटा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट अबाउट द कॉन्सेप्ट। पैरामीटर का कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर होना चाहिए कि वट एवर द फिगर इज, आप वो एरिया मार्क करो, जस्ट लुक एट द आउटर बाउंड्रीज, कितनी बाउंड्रीज ने उसको मार्क किया हुआ है। तो वी कैन क्लियरली सी देर आर थ्री बाउंड्रीज, टू दो साइड से तो बेटा रेडियस है, और फ्रॉम द अदर साइड बेटा आर्क लेंथ है, इसको आप आर्क लेंथ कह लो, या वन फोर्थ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, राइट, जिसको हम क्वार्टर सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं। आई होप बेटा ये जो हमने डिटेल डिस्कशन किया है सर्कल का एरिया पैरामीटर या एरिया एंड सर्कमफ्रेंस, देन सेमी सर्कल एंड क्वार्टर सर्कल, दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ओके बेटा, अब हम क्वेश्चंस करते हैं, लेट्स डू सम क्वेश्चंस एज वेल, ताकि एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। सो बेटा क्वेश्चंस हम करेंगे,
फाइंड द एरिया, राइट बेटा, एक हमने एरिया कैलकुलेट करना है एंड पेरिमीटर ऑफ ईच शेप, राइट, या ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, राइट। सो बेटा एक हमने क्या फाइंड करना है, एरिया, और एक बेटा हमने हर शेप का पेरिमीटर फाइंड करना है। क्लैरिटी? ओके। सो नंबर वन, लेट्स से हम ये एक सर्कल ही ले लेते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। तो बेटा सर्कल का आपको रेडियस मार्क है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड दैट इज लेट्स से 3 सेंटीमीटर्स, राइट। सो बेटा इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाँ जी, सिंपल, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। ठीक, सिंपली प्लग इन द वैल्यूज। पाई की बेटा वैल्यू ले लो जो गिवन होती है 3.142, या यू कैन टेक द कैलकुलेटर वैल्यू, ठीक है, इट इज मेंशन इन द पेपर। अगर नहीं गिवन तो यूज 3.142, राइट। चलो, और रेडियस बेटा आपको गिवन है 3 का स्क्वायर, राइट, जस्ट प्लग इन द वैल्यू 3.142, 3 स्क्वायर इज 9। पिक अप योर कैलकुलेटर और इसकी बेटा वैल्यू लिख। सो बेटा ये आंसर आ गया 28.278, राइट, एंड वी नो कि वी नीड टू राइट द आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने बड़ा डिटेल में बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस किया, तो यू जस्ट हैव अ लुक एट द फोर्थ वन। ठीक है, अगर 5 या 5 से ग्रेटर है तो प्रीवियस में एक ऐड हो जाएगा, तो ये बेटा आ जाएगा 28.3, राइट, ठीक हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा आ गया एरिया। क्लैरिटी? अच्छा, जरा पेरीमीटर भी इसका देख लेते हैं। सो द वर्ड पेरीमीटर, आउटर बाउंड्री की टोटल लेंथ। तो इस केस में आउटर बाउंड्री इज द सर्कमफेरेंस, राइट बेटा। तो बेटा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज व्हाट, 2 पाई आर, राइट बेटा। अगेन 2, पाई की वैल्यू 3.142, और अगेन मल्टीप्लाई बाय 3, राइट बेटा। सो जस्ट पिक अप योर कैलकुलेटर्स और जरा ध्यान से कैलकुलेट करो। तो बेटा ये आ गया 18.85, राइट बेटा। सो अगेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, वी जस्ट लुक एट द फोर्थ फिगर, 5 या 5 से ग्रेटर हो तो प्रीवियस में एक ऐड हो जाता है। सो ये बेटा आ गया 18.9 सेंटीमीटर्स, रिमेंबर दैट, बिकॉज पैरामीटर इज अ लेंथ बेटा, पैरामीटर इज अ, ये लेंथ होती है, ठीक है, ये लेंथ होती है। सो सेंटीमीटर्स या मीटर्स में, अगर आपकी यूनिट्स हैं तो मीटर्स में, सेंटीमीटर्स है तो सेंटीमीटर्स, ठीक। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। ठीक, जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। लेट्स टेक अ लुक एट अनदर क्वेश्चन। सो लेट्स से बेटा वी हैव अ सेमी सर्कल, ठीक हो गया, हम एक सेमी सर्कल ले लेते हैं, और बेटा सेमी सर्कल में आपको डायमीटर लेट्स से गिवन है, राइट, एंड अगेन वही दो चीजें, यू हैव टू फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ दिस फिगर। ठीक, तो बेटा एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल क्या होता है? That is half of the area of a circle. Clarity, beta? So just plug in the values. Pi ki jagah beta 3.142. Radius mujhe batao iska radius kya hoga? What is the radius of this semicircle? Beta already discussed ki radius is half of the diameter. Radius is half of the diameter. Theek? So diameter agar 20 hai, to radius kitna ho jayega? 10. Right? Ye obvious hai. इसमें कोई डाउट किसी को? तो पाई इंटू आर स्क्वायर विच इज 10 स्क्वायर बेटा, राइट। चलो जस्ट पिक अप द कैलकुलेटर, वैल्यूज प्लग इन कर दो, तो ये बेटा आ गया 157.1, विच इज टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 157 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट बेटा, ठीक हो गया। चलो अब यहां पर हम 7 पैरामीटर भी इसका फाइंड कर लेते हैं। तो अगेन पैरामीटर, आउटर बाउंड्रीज की टोटल लेंथ बेटा। ठीक, अब आउटर बाउंड्रीज इस शेडेड रीजन को जरा फोकस करो, व्हाट आर द आउटर बाउंड्रीज? एक तो बेटा ये लेंथ है विच इज द डायमीटर, ठीक, एक साइड तो होगी ये डायमीटर, राइट, एंड व्हाट इज द अदर साइड, दूसरी साइड कौन सी है? दैट इज द हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये जो हाफ सर्कमफेरेंस है बेटा, ये उसकी अदर बाउंड्री है, इसमें कोई डाउट? चलो, सो पैरामीटर इज व्हाट, हम दोनों लेंथ्स को लिख देते हैं, वन इज द डायमीटर, ठीक, डायमीटर प्लस हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस
सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो डायमीटर की बेटा वैल्यू क्या है 20 प्लस हाफ, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, जस्ट प्लग इन द वैल्यूज। चलो ये क्या आ गया 20 प्लस हाफ, पाई की जगह बेटा 3.142, और व्हाट इज द रेडियस ऊपर हमने कहा है दैट इज 10, राइट। चलो ये 2 और 2 कैंसिल आउट, जो सिंप्लीफाई हो सकता है इन साइड द ब्रैकेट, ठीक, 2 टाइम 1 इज 2, तो 20 प्लस 3.142 इंटू 10, डेसिमल एक आगे चला जाएगा, दिस इज 31.4 बेटा, 31.42, क्लैरिटी। जस्ट पिक अप द कैलकुलेटर्स, आपने वैल्यूज ही प्लग इन करनी है, और बेटा ये ऐड कर दो, सो दिस विल बी 51.42, ठीक। और थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप क्या लिखेंगे, ठीक, यू जस्ट हैव टू लुक एट द फोर्थ फिगर, बेटा अगर 5 या 5 से ग्रेटर है देन यू एड इट, अगर लेस है फिर नहीं, तो दिस विल बी 51.4 सेंटीमीटर्स, ये बेटा इसका आंसर आएगा पेरीमीटर का, राइट। सो आउटर बाउंड्रीज को हमने ऐड कर दिया, वन वॉज द डायमीटर, द अदर वॉज हाफ सर्कमफ्रेंस, ये बस आपने अंडरस्टैंड करना था, राइट। जस्ट प्लग इन द वैल्यूज एंड बी केयरफुल, ध्यान से बस उसको इवैल्यूएट करना है, ठीक। ओके बेटा, लेट्स टेक अ लुक एट अनदर क्वेश्चन, जरा आपकी शेप्स की प्रैक्टिस हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बड़ा कॉमन क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, राइट, एरिया पैरामीटर में, और बड़ी ऐसी कंफ्यूजन हो जाती है, राइट। अच्छा जी, लेट्स से ये एक सेमी सर्कुलर आर्क ले लेते हैं, ठीक हो गया, देन वी हैव, हम एक रेक्टेंगल अटैच कर देते हैं विद दिस, राइट। चलो ये बेटा अब हमारे पास शेप आ गई, सो द लेंथ ऑफ दिस फिगर इज 6 सेंटीमीटर्स, राइट, और ये बेटा जो टोटल लेंथ है दिस इज 7 सेंटीमीटर्स, यहां तक, जस्ट अ सेकेंड, ए यहां तक टोटल इज 7 सेंटीमीटर्स, ठीक। ये आप इसको सेमी सर्कल को हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको जरा जस्ट अ सेकेंड बेटा, इसको नीट कर लेते हैं जरा, चलो ओके। सो यू हैव टू फाइंड अगेन, वही दो चीजें बेटा, एक तो हमने फाइंड करना है एरिया एंड ऑब्वियसली देन द पेरिमीटर। अब बेटा वी कैन सी दिस इज नॉट वन शेप कंप्लीट, कोई एक शेप नहीं है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ सेमी सर्कल अटैच्ड ऑन अ रेक्टेंगल, दीज आर टू शेप्स कंबाइंड, तो बेटा एरियाज भी हम ऐड कर देंगे, सो एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल, ठीक है, विच इज पाई आर स्क्वायर ओवर 2, अब तो बड़ी प्रैक्टिस होगी आपकी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऑलरेडी बेटा लास्ट वीडियो में हमने बड़ी डिटेल में क्वाड्रिलेटरल्स को और ट्राइंगल को हमने डिस्कस किया, तो पाई आर स्क्वायर ओवर 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इन टू विड्थ, क्लैरिटी बेटा। अच्छा अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मुझे बताओ व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल, ये भी रेडियस होगा और बेटा ये भी क्या होगा, ये भी रेडियस होगा, इसमें कोई डाउट, हाँ जी, एनी वन इन द क्लास जिसमें इसमें कोई डाउट हो, ये भी बेटा रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, राइट, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, सो कंप्लीट डायमीटर अगर इसका 6 है तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, बेटा 3 हो जाएगा, ठीक, बिकॉज कंप्लीट लेंथ इज 6, तो डायमीटर इज हाफ ऑफ द रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, राइट। इसमें कोई डाउट किसी को, चलो जस्ट प्लग इन द वैल्यूज, पाई की वैल्यू बेटा वही लेंगे 3.142, रेडियस है 3 स्क्वायर ओवर 2, ठीक, तो सेमी सर्कल का एरिया आ गया एरिया ऑफ अ सर्कल का हाफ प्लस लेंथ इन टू विड्थ, रेक्टेंगल पे आ जाओ, लेंथ बेटा कितनी है 6 और विड्थ इज, अब जरा मुझे विड्थ बताओ, रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है, अगर टोटल हाइट इस पूरी फिगर की बेटा 7 है, ठीक, तो ये जो रेडियस है दैट इज 3, राइट, बिकॉज रेडियस तो होता है ना सेंटर ऑफ द सर्कल से सर्कमफ्रेंस एनीवेयर, ठीक, सो ये जो रेडियस है 3, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो बाकी लेंथ आपके पास क्या आ गई, बाकी लेंथ बेटा आ गई 4, बाकी लेंथ कितनी आ गई 4, इसमें कोई डाउट, सो ये बेटा आपके पास आ गई विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल,
राइट, यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल इन दैट. चलो ये जरा पहले जस्ट गिव मी आंसर ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट, फिर हम सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. जरा इसका मुझे आंसर बताओ. तो ये बेटा आ गया 14.139, राइट, प्लस 24, राइट. जरा ऐड करो क्या, तो ये बेटा आ गया 38.139. अगेन वी हैव टू गिव आंसर्स टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. हम बस फोर्थ फिगर को देखेंगे. अगर बेटा 5 या 5 से ग्रेटर है तो प्रीवियस में एक ऐड हो जाएगा. सो इसका आंसर क्या आ गया एरिया का, बेटा ये आ गया 38.1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये बेटा इसका आ गया एरिया ऑफ दिस कंप्लीट फिगर, राइट. क्लैरिटी? चलो अब जरा हम पैरामीटर इधर डिस्कस कर लेते हैं. हाँ जी, पैरामीटर जरा मुझे बताओ, इधर ही लिख लेते हैं बेटा. लेट्स सॉल्व हेयर साइड पे जरा, बिकॉज ताकि फिगर आपके सामने हो, राइट. हम पैरामीटर जरा यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक. चलो सो पार्ट नंबर टू था इसका पैरामीटर, ताकि फिगर बेटा आपके सामने हो. सो व्हाट इज द पैरामीटर बेटा? आउटर बाउंड्री की टोटल लेंथ, राइट. सो आउटर बाउंड्री कौन सी जरा मार्क करते हैं. आउटर बाउंड्रीज बेटा वन इज द, जस्ट अ सेकेंड, वन इज द बेटा वन इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. ये आउटर बाउंड्री है, ठीक. आउटर बाउंड्री पे बस फोकस करना है, इनर बाउंड्रीज पे नहीं. वन इज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, एक साइड से शुरू हो जाते हैं, ठीक. देन बेटा यू हैव द हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक. क्लैरिटी? तीन लेंथ हो गई. और बेटा फोर्थ लेंथ अगेन यू हैव द रिमेनिंग वन विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. सो फोर लेंथ को ऐड करेंगे तो पैरामीटर बनेगा आउटर बाउंड्रीज की टोटल लेंथ, राइट. तो बेटा इसको हम डायरेक्ट अब लिख देते हैं. पैरामीटर किसके इक्वल आ गया जरा मुझे बताओ. जी बेटा, पैरामीटर किसके इक्वल आ गया? लेंथ, ठीक है, एक लेंथ प्लस विड्थ प्लस हाफ सर्कमफ्रेंस प्लस विड्थ. इसमें कोई डाउट? चलो वैल्यूज प्लग इन कर दो. लेंथ बेटा कितनी है? 6. विड्थ कितनी है? 4. हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस 2πr प्लस विड्थ विच इज अगेन 4. बड़ी क्लैरिटी से बेटा आपने लिखना है. इसमें कोई डाउट बेटा? 6 + 4 = 10, 10 + 4 = 14 प्लस ये 2, 2 तो वैसे कैंसिल कर दो डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में, राइट. आपके पास यू लेफ्ट विद पाई आर, ठीक है. तो ब्रैकेट में आप लिख दो 3.142. और रेडियस बेटा आपने पहले इसका मेंशन कर दिया हुआ, रेडियस आपके पास 3 है, राइट बेटा. रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज 3, तो 2πr में आपने प्लग इन करना है तो रेडियस इज 3, राइट. ये बेटा जरा मुझे इसका आंसर बताओ. व्हाट इज 3.142 इनटू 3? यू हैव टू बी रियली केयरफुल. ये बेटा आ गया 9.426, ठीक है बेटा. चलो ऐड करो जरा इसको. ये बेटा आ गया 23.426. अगेन वी हैव टू गिव आवर आंसर्स टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. हम सिर्फ फोर्थ फिगर को देखेंगे. लेस देन 5 है, राउंड ऑफ नहीं होगा, पिछले में ऐड नहीं होगा. सो द फाइनल आंसर इज 23.4 सेंटीमीटर्स. ये बेटा पैरामीटर आया. सो सिंपल. पैरामीटर तो बिल्कुल ही सिंपल होता है. आउटर बाउंड्रीज की टोटल लेंथ, बस बाउंड्रीज आपने ध्यान से बेटा ऐड करनी है, मार्क करनी है. क्लैरिटी? चलो बेटा लेट्स टेक अ लुक एट अनदर क्वेश्चन, ठीक. जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंटरेस्टिंग वन. आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा पैरामीटर्स की और एरिया की, राइट. ओके, लेट्स मेक अ सेमी सर्कल, ठीक हो गया. अच्छा जी, सेमी सर्कल के साथ बेटा अटैच है, देन यू हैव अ रेक्टेंगल. चलो ठीक. ओके बेटा, जरा लेंथ मेंशन कर देते हैं. दिस इज 5 बेटा, दिस इज 3, दिस इज 9, राइट. चलो सो अगेन इस शेप का आपने, यू हैव टू फाइंड द एरिया एंड द पैरामीटर. चलो पहले हम जरा इसका एरिया डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज द एरिया? हाँ जी, कौन बताएगा इसका एरिया क्या होगा? सो अगेन दिस इज नॉट वन, कोई एक कंप्लीट शेप नहीं है. सो बेटा इट इज डिवाइडेड इनटू अ सेमी सर्कल, ठीक हो गया. ये सेमी सर्कल का सेंटर होगा,
ठीक, लेट्स से ओ से मार्क कर देते हैं, या खुद आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मार्क करना है, राइट? तो ये बेटा सेमी सर्कल का ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, राइट? सेंटर से वन साइड टिल द सर्कमफ्रेंस, दैट इज रेडियस। सेंटर से वन साइड टिल द सर्कमफ्रेंस, ये भी रेडियस। इसमें कोई डाउट किसी को, राइट? तो अगर कंप्लीट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 9 है तो अदर लेंथ भी 9 होगी। सो यहां तक 5 है, बाकी कितनी रहेगी लेंथ? 4। तो डायमीटर बेटा 4 है, डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज व्हाट? 4। तो रेडियस कितना हो जाएगा? हाँ जी, रेडियस मुझे बताओ। अगर डायमीटर बेटा आपके पास 4 है तो व्हाट इज द रेडियस? हाँ जी, रेडियस को हमने मेंशन करना है, रेडियस इज इंपॉर्टेंट। रेडियस बेटा इसका हाफ हो जाएगा, डायमीटर का हाफ इज रेडियस, तो रेडियस 2 हो जाएगा, राइट? ये लेंथ भी 2, ये हाइट भी 2, ठीक? ये हम यहां से यहां तक मेंशन कर देते हैं, ये हाइट आपके पास 2 आ गई, ठीक? और बाकी जो हाइट है यहां तक वो ऑलरेडी गिवन है, विच इज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, वो 3 है। बेटा पहले हम लेट्स ब्रिंग क्लैरिटी इन द फिगर, ठीक है? क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कोई डाउट? चलो अब बेटा मुझे बताओ, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस फिगर, ठीक? ये पूरा सेमी सर्कल एंड देन यू हैव अ रेक्टेंगल, ठीक? तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर ओवर 2 प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रैकेट में लिख दो लेंथ इनटू विड्थ, राइट? बेटा ब्रैकेट्स यूज किया करो व्हेन एवर देर इज मोर देन वन टर्म। चलो जस्ट प्लग इन द वैल्यूज, 3.142 रेडियस बेटा ऑलरेडी हमने लिख लिया, दैट इज 2 स्क्वायर ओवर 2, ब्रैकेट लगा दो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट? ये आ गया एरिया ऑफ द सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, बेटा आपके पास क्या आ गया? लेंथ इनटू विड्थ, दैट इज 9 इनटू 3। इसमें कोई डाउट किसी को? चलो पिकअप योर कैलकुलेटर, जरा मुझे वैल्यूज बताओ। ये बेटा आ गया 6.284 सॉरी प्लस, बिकॉज हमारे पास प्लस साइन है बेटा, मैं इसको ऐड करना है, 9 टाइम 3 इज व्हाट? 27। चलो व्हाट इज द फाइनल आंसर? दैट इज 33.284, 33.284। तो अगेन वी हैव टू गिव आंसर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेटा हम फोर्थ फिगर को देखेंगे, 5 या 5 से ग्रेटर है तो प्रीवियस में एक ऐड हो जाएगा। तो बेटा द फाइनल आंसर इज 33.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट किसी को? एरिया क्लैरिटी बेटा पक्की बात। चलो पैरामीटर जरा हम यहां पर डिस्कस करते हैं, सो दैट द फिगर इज इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक? पैरामीटर जरा मुझे बताओ। अगेन टोटल आउटर बाउंड्रीज की लेंथ, दैट इज द पैरामीटर, राइट? सो हम लिख लेते हैं बेटा पैरामीटर को, जरा देखते हैं। सो कौन कौन सी लेंथ है आपके पास? बेटा 1 इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक? ठीक हो गया, एक साइड से शुरू कर देते हैं। लेंथ कितनी होगी? साथ साथ लिखते जाओ, दैट इज 9 प्लस। दूसरी साइड कौन सी बेटा? द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक? तो +3। अगली लेंथ बेटा, अगली लेंथ कौन सी है जरा मुझे बताओ? दैट इज द आर्क लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल, दैट इज द आर्क लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल। तो ये बेटा आपके पास कितनी आ गई? इसको हम लिख लेते हैं 2 पाई आर। चलो बाद में वैल्यूज प्लग इन कर लेते हैं, प्लस। आगे चलते हैं, द अदर लेंथ जो आपके पास आएगी दैट इज दिस 5, ठीक? ये जो बची, बिकॉज यहां तक आप पहुंच गए, ये आप 5 ऐड करेंगे बेटा इसमें, ठीक हो गया? प्लस नाउ द विड्थ, यहां तक पहुंच गए, नाउ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, राइट? टोटल लेंथ आपने ऐड करनी है, विच इज अगेन 3, विच इज अगेन 3, राइट? आपने लेंथ ऐड की, विड्थ ऐड की, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, सॉरी हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, तो 2 पाई आर ओवर 2 होगा, राइट? हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। क्लैरिटी बेटा, क्योंकि ये सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस है ना, हाफ सर्कमफ्रेंस। +5 और +3, इसमें कोई डाउट किसी को? चलो इसको बेटा ऐड कर लो, तो व्हाट इज दिस? ऐड करके जरा मुझे बताओ कितना बन? तो ये बेटा 9 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3, ये तो बन गया 20, ठीक हो गया? 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 5 प्लस 3 8 होता है, 12 एंड 8 20। प्लस बेटा पाई की जगह 3.142, और रेडियस ऑलरेडी बेटा हमने ऊपर मेंशन किया हुआ, दैट इज 2, राइट? सो इनटू 2 और होल डिवाइडेड बाय 2।
राइट। सो ये बेटा बेशक टू तो कैंसिल कर दो, टू टाइम वन इज टू और ये टू कैंसिल, ये बेटा आपके पास फाइनल आंसर आ गया 20 प्लस 3.142 मल्टीप्लाई बाय टू। सो बेटा ये आपके पास आ गया 6.284, राइट। सो जस्ट सिंपली एड दैट, तो ये बेटा हो गया 26.284, राइट। तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर्स देने होते हैं, जस्ट लुक एट द फोर्थ फिगर, फाइव या फाइव से ग्रेटर है प्रीवियस पे ऐड हो जाएगा। तो 26.3 सेंटीमीटर्स, बिकॉज पेरीमीटर है, पेरीमीटर इज अ लेंथ बेटा, टोटल लेंथ, राइट। ये बेटा इसका आंसर आ गया। आई होप दिस वॉज प्रीटी ईजी। ओके बेटा, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट कम्स इन एग्जाम्स, जरा ये हम देखते हैं, राइट। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर फोर, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फाइव, जरा ये हम क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, लेट्स ड्रॉ दिस फिगर अगेन, टू स्ट्रेट लाइन्स, और बेटा ये हम एक सेमी सर्कुलर आर्क ले लेते हैं, राइट। ठीक हो गया, अच्छा जी। अब बेटा क्वेश्चन ये है, अगेन वही, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर, ये हम इसको जरा शेड कर देते हैं, राइट। ओके बेटा, एक आपने फाइंड करना है एरिया, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर, राइट बेटा। और एक साइड आपको दी हुई है 10, राइट, क्लैरिटी, अच्छा। सो अब इन दिस फिगर बेटा वी कैन सी के अभी हमने खुद अपना एनालिसिस करना है कि क्या हो सकता है। सो अगेन दिस इज अ स्क्वायर, ठीक, ये दोनों रेडियस है, दिस इज 10, तो ऑब्वियसली दिस साइड वुड ऑल्सो बी 10, दिस साइड वुड ऑल्सो बी 10, बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब इसको हमने एनालाइज करना है। सो ये बेटा क्या हो गया, इसको चलो ब्लू से मार्क कर देते हैं। दिस इज अ क्वार्टर सर्कल, ठीक। अब क्वार्टर सर्कल को डिस्कस करना है। फ्रॉम दिस सेंटर, ये जो मैंने ओ मार्क किया, आपने ये आर्क लेंथ मार्क की है, राइट, यहां से आपने ये आर्क मार्क की है। सो दैट मीन्स कि फ्रॉम अ स्क्वायर ये आपने क्वार्टर सर्कल को आपने रिमूव किया हुआ, दिस हैज बीन रिमूव्ड, तो ये बाकी रिमेनिंग फिगर बचेगी, दिस इज वॉट इज रिमेनिंग। ये आपने अंडरस्टैंड करना है कि फ्रॉम अ स्क्वायर आपने क्वार्टर सर्कल को रिमूव किया हुआ है, तो दिस इज वॉट इज रिमेनिंग, ये जो मैंने येलो में शेड किया, बिकॉज दिस इज नो फिगर, ठीक है। ये बेटा कोई शेप नहीं है, इधर हमने जो अभी तक बेटा हमने डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस सर्कल, सेमी सर्कल और अ क्वार्टर सर्कल, राइट। ये बेटा बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स हैं जो आपने अप्लाई करना है। आंसर तो वही दो लाइंस का ही है, राइट। सो बेसिकली अब एरिया हम किस तरह से इस फिगर का बेटा फाइंड करेंगे, अगेन इट्स वेरी सिंपल। सो एरिया को अगर हम डिस्कस करें, राइट बेटा, सो एरिया जरा मुझे बताओ क्या हो जाएगा, जो अभी मैंने कहा है यही हम इसको मेंशन कर देते हैं। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज व्हाट, एरिया ऑफ द स्क्वायर, राइट, बिगर एरिया स्क्वायर का है, माइनस जो उसमें से माइनस किया, दैट इज एरिया ऑफ द क्वार्टर सर्कल, एरिया इसको लिख देते हैं ऑफ क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल। इसमें कोई डाउट बेटा किसी को, एक लाइन का आंसर है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड माइनस ब्रैकेट लगा दो, क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड बाय फोर, वन फोर्थ द एरिया ऑफ अ सर्कल, राइट बेटा। ये जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, ये क्वार्टर सर्कल है, ये सारा क्वार्टर सर्कल है, ये स्क्वायर में से आप रिमूव करेंगे तो बेटा यू लेफ्ट विद द एरिया, ये जो मैंने येलो से मार्क किया, राइट, जो इनिशियली हमने फाइंड करना था, क्लैरिटी बेटा, पक्की बात। चलो इसको अब आप सॉल्व कर लो। सो क्या आंसर आ गया, 10 into 10 इज 100, और इसमें बेटा वैल्यूज प्लग इन कर दो, 3.142 इंटू रेडियस कितना आपके पास, 10, राइट, ऑलरेडी हमने देख लिया रेडियस इसका कितना है बेटा, 10, राइट, जो स्क्वायर की साइड है वो इसका रेडियस है, सो इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है। ये जरा देखते हैं बेटा क्या आंसर आता है, एंड ऑब्वियसली होल डिवाइड बाय 4, बिकॉज क्वार्टर सर्कल का एरिया है तो होल डिवाइड बाय 4। जरा चेक करो इसका क्या आंसर आता है, ये बेटा आ गया 78.55, राइट, ठीक हो गया। और जरा इसको माइनस, ये बेटा आ गया 21.45,
और थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं. लेट्स लुक एट द फोर्थ फिगर. फाइव या फाइव से ग्रेटर है प्रीवियस बेटा एक ऐड हो जाएगा. ये बेटा आ गया 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन. ये जो येलो में हमने शेड किया है राइट, जो कि इनिशियल एरिया था. ठीक, ये बेशक अगर आपने रिमूव करना है बेशक ये वाला एरिया आप रिमूव कर दो, सो दैट देर इज एब्सोल्युटली नो कंफ्यूजन कि व्हाट वाज द ओरिजिनल फिगर. क्लैरिटी बेटा? ओके बेटा, पैरामीटर क्या होगा? व्हाट विल बी द पैरामीटर? अगेन बेटा आउटर बाउंड्रीज को जरा मार्क करते हैं. वन इज वन साइड ऑफ द शेडेड रीजन विच इज 10 प्लस द अदर साइड 10 राइट बेटा, और प्लस द क्वार्टर आर्क लेंथ ऑफ द सेमी ऑफ दिस क्वार्टर सर्कल. ठीक, ये जो क्वार्टर आर्क लेंथ कह लो या वन फोर्थ ऑफ द सेट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कह लो. ठीक, ये इसकी बेटा साइड्स बन रही हैं. इसमें कोई डाउट किसी को? चलो, सो पैरामीटर बेटा हम लिखेंगे. पैरामीटर इज व्हाट बेटा? ऊपर हमने डिस्कस किया है दैट इज 10 प्लस 10. ठीक, जो शेडेड रीजन है जो येलो से बेटा शेड हुआ हुआ है उसकी आउटर बाउंड्रीज प्लस क्वार्टर सर्कमफ्रेंस, वन फोर्थ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल राइट बेटा. ठीक हो गया? चलो, प्लस वन फोर्थ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. ये बेटा थ्री साइड से बाउंड हुआ हुआ रीजन राइट. दिस द फर्स्ट साइड, द सेकेंड एंड द थर्ड साइड. ये बेटा आर्क लेंथ इज द थर्ड साइड. इसमें कोई डाउट? क्लैरिटी? चलो, ये बेटा आप इसमें वैल्यूज प्लग इन कर दो. सो 20 प्लस 1/4 2 × 3.142. और बेटा रेडियस ऑलरेडी हमें पता है, रेडियस इज 10. ठीक है, रेडियस इज 10. ये पहले जरूर मेंशन हमने ऑब्वियसली डिस्कस कर लिया भाई, लेकिन इट शुड बी वेरी क्लियर. चलो वैल्यू प्लग इन कर दो इनटू रेडियस व्हिच इज 10. सो ये बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं. इसको देख लो क्या सिंप्लीफाई हो सकता है. 2 times 1 is 2, 2 times 2 is 4, और ये 2 और 10 भी कैंसिल आउट हो रहा है. 2 times 1 and 2 times 5 is 10, ताकि वैल्यूज हमारी सिंपल आ जाए. तो ये आपके पास आ गया 20 प्लस. इसको जरा हम इवेल्यूएट कर लेते हैं. व्हाट इज 3.142 × 5? ये बेटा आ गया 15.71 राइट. चलो इसको ऐड कर दो. सो ये आपके पास कितना आ गया? 35.71. वी हैव टू गिव आंसर्स टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. फोर्थ फिगर 5 से लेस है, प्रीवियस में कुछ ऐड नहीं होगा. तो बेटा फाइनल आंसर इज 35.7 सेंटीमीटर्स, बिकॉज हम पैरामीटर फाइंड कर रहे हैं राइट बेटा. तो दिस इज अ लेंथ. क्लैरिटी बेटा? 35.7. ठीक, सो इट वॉज सो सिंपल. अगेन बेटा इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स. आपने कितने क्लियरली अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया, आपको कितनी क्लैरिटी अपने कॉन्सेप्ट्स में. तो बेटा बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलाज हैं. एरिया तो एरिया का फॉर्मूला लगा दो, सेमी सर्कल है, क्वार्टर सर्कल है, इसमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए. पैरामीटर इज ऑल अबाउट योर आउटर बाउंड्रीज की टोटल लेंथ. आई होप इट्स वेरी सिंपल. कोई बेटा कन्फ्यूजन है, कोई एम्बिग्विटी है, प्लीज डू टेल मी द कॉमेंट्स. ठीक है.